अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर मोने सलाही का शेख रशीद के बयान पर रद्दे अमल आया है। मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूं, मोने सलाही ने यह ट्वीट किया है। शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। उन्होंने कहा कि 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। शेख रशीद का बयान आया जिसके बाद मोने सलाही की जानिब से ट्वीट सामने आया है। वफाकी वजीर मोने सलाही ने शेख रशीद के बयान का रद्दअमल दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूं, शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। शेख रशीद का बयान आया जिसके बाद वफाकी वजीर मोने सलाही ने अपना रद्द अमल दिया। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना रद्द अमल दिया और कहा कि मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूँ, शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। मजीद तफसीला जानते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वफाकी वजीर दाखिला की जानब से एक अहम बयान सामने आया जिसका रद्द अमल जो है वो मुस्लिम लीग कायदे आजम की क्यादत की जानब से दिया गया। आज शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि एक जमात जिसके 5 सिर्फ अरकान है और वो पंजाब की सीएमशिप के लिए जो है वो ब्लैकमेल कर रही है, तो उसका जवाब देते हुए आज मोना सलाही ने कहा है कि वो शेख रशीद साहब की इज्जत करते हैं लेकिन शेख साहब कुछ भूल रहे हैं कि जिस जमात के हवाले से वो बात कर रहे हैं उन्हीं जमात के रहनुमाओं के बुजुर्गों से जो है वो जमानत तालब इल्म में बाकायदा पैसे लिया करते थे। तो यूं आज जो शेख रशीद ने जो है वो मुस्लिम काफ का नाम लिए बगैर उनकी क्यादत पर जो इल्जाम लगाया था कि तो वो जो है वो 5 सीटों के इवज पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे हैं, उसी का जवाब मोना सलाही ने दिया और ये वाजे तौर पर कहा कि उन्हें जाती तौर पर शेख रशीद का एहतराम है लेकिन उन्होंने कहा कि वो हकायक को दुरुस्त करना चाहते हैं कि जिस जमात के ऊपर वो ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा रहे हैं उसी जमात के रहनुमाओं के बुजुर्गों से वो जमानत तालबिली ने जो है वो बाकायदगी से पैसे भी लिया करते थे। तो यूं सियासी तौर पर मामला जो है वो इत्तेहादियों के दरमियान जो है वो बयानबाजी इस हद तक आ गई है कि शेख रशीद की जानब से जो बयान दिया गया उसका अब दो टोक जवाब जो है वो मोना सलाही की जानब से दिया गया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, अपडेट किया आपने।